ओम श्रीमान महागणाधिपतये नमो नमः। ओं वाणी हिरण्यगर्भाय नमो नमः। ओम श्री जगन्नाथादि चतुर्धामूर्तये नमो नमः। ओं मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। जगन्नाथ 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 रक्षमा जगन्नाथ 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 रक्षमा जगन्नाथ 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 पाहिमा जगन्नाथ 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 पाहिमा जगन्नाथ रक्षमा जगन्नाथ पाहिमा जगन्नाथ रक्षमा जगन्नाथ पाहिमा जगन्नाथ रक्षमां जगन्नाथ पाहिमां जगन्नाथ रक्षमां जगन्नाथ पाहिमां जय जय जगन्नाथ 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 नमो नमो 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 जगन्नाथ भगवान की जय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम प्रभु जगन्नाथाय यते नमः। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ कलिया शांत महाप्रभु जगन्नाथंकर अभय चरणारविंद जुगल रे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम मणिमा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जनंकु विष्णु प्राय मणे नमई तहांक चरणे तुंडे वलोई हरि हरि भो जगन्नाथ दैतारी जनता जनार्दन समस्त उपस्थित सज्जन माँ भाई भौणी युवक पिलामान समस्तंकर चरणारविंद जुगलरे ए अकिंचनर कुटिदंडवत जुहार कुटिदंडवत जुहार। प्रियात्मन हरि अनंत हरि कथा अनंत कथार कौनसी आरंभ न थाए कि शेष मध्य न थाए। तंक कथा श्रवण करिबा तंकु चिंतन करिबा तंकु मनन करिबा जहा करिबा द्वारा अबर कौन लाभ मिले ना चिरंतन शांति प्राप्त होई थाए। मनुष्य कौन खोजे आमे जेते एठी मनुष्य बसीचे आमे कौन खोजी थाउ आमु कौन आवश्यकता रहिछ एवं जहा भी आवश्यकता रहिछ ता पछरे उद्देश्य कौन। प्रत्येक व्यक्ति साधु महाराज बसचंती सब सांसारिक व्यक्ति बसचंती पिला बसचंती मां माने बसचंती पंडित बसचंती सेवक बसचंती ब्राह्मण बसचंती कौन दरकार आमको। आम पाखरे दुईटी वस्तु अछि गोटे दुख गोटे सुख गोटे भल गोटे मंद गोटे दुख गोटे सुख। आमे कौन चाहू दुख के जण चाहंती सुख के जण चाहंती सुख स्वत स्वतपुत्त भाव आम जिते ये बसीचे समस्ते सुख को आम चाहता ना दुख चाहिए। भगवान पाखे ढड़ाई कही प्रभु मत दुख दि मत दंड दि मत कष्ट दि सब आम सुख प्राप्ति पाई परमानंद सुख पाई ए जीव सदा भ्रमु थाए। ए पिलाटे छोट पिलाटे से कौन चाहे सुख आनंद आनंद व्यतिरक दुख कहीं चाहती ना कि आमको आनंद मिलूना आमे आनंद पाइबा पाई सुख पाइबा पाई राती पाइबारु सोइबा पर्यंत जन्म ठारु मृत्यु पर्यंत
प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक समय रे आमे आनंद खोजुचु आमे सुख खोजुचु आमे भलो खोजुचु किंतु आमे जेते सुख को खोजुचु सुख आमको सेतिक जोर रे मिलु नाही जहा को पचारिबो चिंता दुख कष्ट एई परि भाव रे गंठिले गंठिले दुख भार को धरि आमे बुलुचे तो ए दुख ता आमको छाड़िबो नाही काई के छाडुनी ना आमे अवास्तव पछरे जाउचे आमे जन्म हेचे सत्य कौन मृत्यु आमे मरिबा सुनिश्चित जन्म एवं मृत्यु जन्म एवं मृत्युर मध्य रे जो समय रहिला जहार नाम काल समय वर्ष संवत्सर टाइम के 60 वर्ष बंचिला के 50 वर्ष बंचिला के 100 वर्ष बंचिला ये होची जन्म एवं मृत्युर मध्यभीत समय ये होची समय बा काल ए काल कहा तरे नियंत्रण रे नाही के कहि किरे रही परिवन जाय मते 15 वर्ष होईची तो ए 15 वर्ष ता आउरे 10 वर्ष चालू कालम कलयताम हम स्वयं ईश्वर स्वयं भगवान ए काल को नियंत्रण करंती ए समय को नियंत्रण करंती समय का को अपेक्षा करे ना समय ताबातरे चली जाउथिबो एवं आमे जेते की समय बितौथिबा ए जन्म ठार मृत्यु पर्यंत प्रत्येकटी मुहूर्त आमको आनंद दरकार किंतु प्रत्येकटी मुहूर्त आमे आनंद प्राप्त हेइ पारुने कारण आमे गुडे अवास्तवता भितरे प्रवेश करिछे अवास्तव को आश्रय नले आमे मरिबानी मु चिरंजीवी रहिबी हेइ पारिबो नै कदाचित हेइ पारिबो नै जन्म हेछु माने मृत्यु सुनिश्चित एवं मृत्यु ही संसार र समस्तंग तारु भयंकर कष्ट मृत्यु एपरि कष्ट जहां को के एक समय रे सहस्र सहस्र ब्रुष ब्रुषिंग विषधर सर्प दंशन कले जो ज्वाला अनुभव हुए मृत्यु ताठारु ततोधिक अटे मन रखतिबो एवं से मृत्यु आम पाकु दिने आसीबो आपणक पाकु आसीबो ताग पाकु आसीबो कालिया शांत बद्य देखै दैछि बाबा शरीर धारण करिछु माने जन्म हेछु माने मर्त्य मंडल रे मृत्यु तोर सुनिश्चित अटे से दारवी तनु धारण करी मानवीय लीला करुछंती तांक शरीर जते बळे समय आसीबो जोडा आषाढ़ पड़ी जीवो से मध्य नवकळवर रे कळवर परिवर्तन करिवे जथा देहे तथा देवे सूचना दउछंती आरे मु जन्म नैछि शरीर धारण करिछि मु मध्य शरीर को त्याग करबा को पडुछि एवं आमे माने जते जन्म होइछे मृत्यु दिने सुनिश्चित आसी द्वार बाड़ेबो ठक 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 करी बाड़ेबो क्वाड़ गलु रे बापा मृत्युर नाम सुनिले जड़ मध्य चेतन हो जाए ए जो गोटे हठात गोटे विषधर सापटे बाहरी पड़ब एठी आपड़ जिते बस बसवे कहीं बसवे नहीं साप मारिदेव लो मु मरीजी लो या तो भय मरीज तो भय आय कि ना कि मृत्यु जहाँ सुनिश्चित आसीबो से जो मृत्यु आम मुंड बिंधा डाक्तर पाखु जाऊ आज्ञा मुंड बिंधा आखि कष्ट आखि डाक्तर पाखु जाऊ पेट दरज हेले पेट डाक्तर पाखु जाऊ मृत्यु जनित जो कष्ट से कष्ट लाघव करिबो किए आपण को किए लाभ करिबो को औषध लाभ लाघव करिबो आपण को औषध नाय से औषध औचंती केवल भगवान नाम को स्मरण करिबा नित्य स्मरण करिबो भगवान को जदि आमे नित्य स्मरण करूथिबा नित्य चिंतन करूथिबा एवं सदा सर्वदा तांको अंतर भीतरे भावुथिबा से मृत्यु समय रे काले अकस्मात तांकर नाम स्मरण पळि आसिले मन एवं मनुष्याणां कारणं बद्धमुख्यय मन ही मुक्तिर कारण मन ही बंधनर कारण मन ही स्वर्ग को जीवार कारण मन ही नरक को आसीबार कारण ए मन द्वारा आमे स्वर्ग को जाउछे ए मन द्वारा नरक भोग करुछे ए मन द्वारा आमे खुशी पाउछे ए मन द्वारा आमे दुख पाउछे आज मन हेछि बिली कालिया शांत आम मन कथा जाणिकिरी आज नुआ पाठडा ग्राम रे आज समस्त को एकत्रित करिछि तार लीला महात्म श्रवण करिबा तेनु तांको आमे सेई मृत्युर मुखरु ही भगवान ही एकमात्र साथी
ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା କାଳେ ଅକସ୍ମାତ୍ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେ ଅପୂର୍ବ ମୁଖାର ବିନ୍ଦ ଟିକେ ସ୍ମରଣ ପଳି ଆସିଲେ ଜୀବ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। जड़े ये तो ग्राम नुआ पाटड़ा ग्राम एठी घरे घरे गीत गोविंदर वस्त्र को लोक माने बुणिकिरी महाप्रभुंकर पे पठौचंती। जगन्नाथ महाप्रभु बड़ गीत गोविंद प्रिय किमिति प्रेमर सहित संपर्क स्थापन कले जहांको ऋषि मुनिगण माने प्रपंच सहितं माया जगत जायति जस्मिन् तिष्ठति चाम्ति चाम्त समये कल्पानुकल्पे मुनाः जन्धत्वा मुनयोः समाधि समितवो शुद्धो वियत्सन्निभं तं वन्दे पुरुषोत्तममाख्य कमलं नित्यं विभूनिश्चलम्। जहांकु ऋषि मुनि माने वर कल्प कल्पांत बीति जाइथले मध्य तांकु धरि पारि ना जानि पारि ना बुझि पारि ना किंतु दासिया बाउरी बुझि पारि छि तांकु। दासिया बाउरी एतो बले थोई देई छि गोटिए जाउ ता स्त्री आनी जाउ थाली एवं ता बझिरे सागोटिए थोई देई छि। दासिया बाउरी कहउछि अरे ये तो बो कालिया शांत ये तण सुंदर थार ठकार नहयनार ठके के पारन तीता बारी छणा को आश्रा करी ठावे लहादरी ठियारे देले नेत्र थारी हे नीलाद्रिश कालिया शांत सी ता जानी आपण सका उठिबे नित्यकर्म विषय टी जाना दरकार। सका उठिले कौन करुचा आमे नित्यकर्म सका जीवा मुह धोईवा कुलकुंचिका करवा बहिर्भूमि जीवा मलत्याग करवा स्नान करवा यह हूँ आमर नित्यकर्म कालिया शांत कौन नित्यकर्म करती दात घसती देखी आपण कालिया शांत सका उठिले महाप्रभु बड़ रसिक ठाकुर पिले जान तमें बड़ रसिक ठाकुर सी थे डाकना से शहे थर ओ करे तुम कि थे प्रेम डाकबार राति तो शोथे महाप्रभु गीत गोविंद खंडुआ परिधान पूर्वक कांजी कदमी भजा हाँ पखा भात घी तो बोपा खाई कि पखा भात घी गोल खाती आम कालिया शांत कांजी तोराणी पीगले बढ़िया निद हम महाप्रभु राति शुंती सका महाप्रभु भितर छा आसवे द्वार खोल मणिमा डाक पड़ो अखंड प्रदीप प्रज्वलन प्रज्वलित हम महाप्रभु द्वार खोलने श्रीमंगला आरती संपन्न हम मंगला आरती पढ़ी सारे महाप्रभु नित्य कर्म करते तुम्हारी नुआपाटना महाप्रभु गामुछा जापणर तड़प जा महाप्रभु महाप्रभुंर जो तड़प खंडे गामुछा पिंधे खंडे गामुछा कांधे पकईबे जमी आम पोखरी तुठ गाधु आमर चारि हाथियार गोटे गामुछा लौच अठर हाथर गामुछा चबीश हाथर उत्तरी अठर हाथर पिंधा धलाटीए पिंधिकी महाप्रभु बहिर्भूमि जीवे सेतक सला दाम कुलकुंचिका करेंगे आखिरे नेंदरा फेंदरा लगी तुम्हें कह कौन आपत गोटे कौन जगन्नाथ महाप्रभु आखिरे नेंदरा फेंदरा लगे ना कालिया शांत जो शोथे उठी थे मुह को देखिए निद छाड़ नालिया पुष्पाड़क तले बसी महाप्रभु मुखार बिंद को कुलकुंचिका करेंगे कुलुकुचा करेंगे मुह धोबे तापर महाप्रभु दात घसा हम कौ का कौ ब्रश रे दात घसती मुतुरी गछर काठ मुतुरी गछ अच्छे आप गाँवें जेते बड़े पूरी जीवे मुतुरी गछ थे काठ काटिकी नहीं जीवे श्रीमंदिर गारदर दे महाप्रभु दात घसवे से मुतुरी गछर काठ से सी राति पानी में बतुरी थुआ हो थो सी छेचा हम ब्रश हम आम पेस्ट व्यवहार करुचे कि ना आम विज्ञान जुगर पिला आलिया शांत आवैज्ञानिक सी बहु पुणा सी
कालियासाम तो बहु पुरुणा तमे माने सिना आज देखुछ से आवाहन काल रु तांकर जो पेस्ट कर्पूर चंदन जायफल केसर इत्यादि वर्णित गोटे पेस्ट तैयार हुए से दांत काठीर उपरी भाग रे से फुलुरी रे से ब्रश रे से पेस्ट थुआ हुई महाप्रभु दंत काठी रे दांत मर्जन करती प्रत्येक दिन दांत घसला परे जिभा सफा करिवे आमे गोटे लुहात पतिया धरिकी अंगठाटे सब वे मारुचे दांत काठी रे प्रथा आम उठे गले राति पाइले गोटे अंगठा ब्रश धरी आम दांत घसुचे मुख को अशुद्धि करुचे आम फरेन स्टाइल करुचे कालिया साम तर भंडार घरे अच्छी सुना जीवि जीव छेला सुनारे बड़ लोक कथा तांको कथा कौन कहवा भंडार घर भंडार बेकाब देते सुना जीवा छेली महाप्रभुंर जीवा छेला हव तापर महाप्रभु पंचामृत स्नान करेंगे ये दैनदीन नीति स्नान सर बेश हे जो दिन जो बार बेश हेला जमी टे जलखिया खाते आम कि नाई सकाल टिके आउ कौन बाबू माने आउ कौन भात डालबा खाइबे जलखिया टे खाइबे चना चूर टे खाइबे बिस्कुट टे खाइबे चूड़ा टे खाइबे कालिया साम तो मेद समेत जलखिया टे खाइबे गोपाल बल्लभ भोग बढ़िया बल्लभ खई बढ़िया कोरा खुआ मंडा दही साकर पाट कपुरा कदली अंगुरु सेउ विविध प्रकार द्रव्य महाप्रभु ब्रेकफास्ट ताकु भोजन कर प्रथम भोग गोपाल बल्लभ भोग तापर महाप्रभुंकर सकाल धूप पूजा सकाल धूप पूजा परे पुनर्बार बेश मैलम हेबे पुनर्बार बेश हेबे माळ लागी हेबे नाकु आसी नाक चेडा एठी गोटे आगरे झुलीची देखी चंदी आप आगरे कौन झुलीची सी नाक चेडा आसी से नाक चेडा लागी हेबे नाकु आसी लागी हेबे अधर माळा लागी हेबे श्रीपयर माळा लागी हेबे तिलक लागी हेबे द्वादश प्रकार पुष्प माळा लागी हेबे सकाल धूप भोग मंडप मध्यान्ह धूप पुनर्बार फेर बेश मैले बेश हेबे संध्या आरती हेबे संध्या धूप बसिबो बड़ श्रृंगार हेबे महाप्रभु फेरे बड़ श्रृंगार धूप हम पहुड़ हेबे महाप्रभु शयन को जिबे जेते थर खाउथिबे सेते थर पान खंडिये खंडिये तांगु दरकार भांगी रखी अछि बीड़िया पान से भांगी रखी अछि बीड़िया पान बीड़िया पान गो बीड़िया पान पुंजीवे बोली मदन मोहन गो पुंजीवे बोली मदन मोहन साखी रे आग प्रिय साखी रे मोर पूर कु आज सखी खंडिये खंडिये पान महाप्रभु खाते रातिर शोला बेलू को मध्य पिकिदानी थुआ हम पान खान खिली पान बिड़िया पान नली पान मकर संक्रांति दिन महाप्रभु को जो पान लगे विश्वर सर्व बृहतम पान गोटे गोटे पान को हरा हारी दस जन लोक ताटर टेकिकी आणुते मकर संक्रांति दिन महाप्रभु खाइबे बोले जगन्नाथ भगवान की जय तेणु कालिया शांत को आम प्रेम सहित भल पाइबार आवश्यकता रही महाप्रभु शोला बेलू सब बड़े गीत गोविंद खंडुआ परिधान करते केवल वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि ठार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर्यंत कौन सी पटवस्त्र गीत गोविंद खंडुआ परिधान करती ना गीत गोविंद महाप्रभुंर अत्यंत प्रिय अटे पुरी रे गोटे आस्थान अच्छे अनेक मठ मान मध्य गोटे नांडी माता बोली जड़े माँ थी से परम भक्त जगन्नाथ बैगण किए कर शाग किए कर प्रत्येक दिन प्रात समय उठी से शाग किारू शाग टिके कोसला डाली कोसला शाग तुंटिकी निटे बैगण बढ़िया कि महाप्रभु बड़ रसिक ठाकुर गोटी मरीची पा खाइबे बैगण से तैयारी हे गोटी मरीची पा बैगण टीए तोलती एमती सबुदिन नित्य कर्म नांडी माता जेनारी गच्छ बोली गोटे जगह अच्छी आज पर्यंत से स्थान अच्छी से स्थान पाखे आश्रम बा मठ प्रत्येक दिन जितेबले सी प्रभुंर सेवार करने उद्देश्य राति पाइब किपर राति तीन घड़ी है माने बैगण तोलिबे शाग तोलिबे
नहीं कालिया सांतंकर रोष घर देले सुआर भाई माने साग तैयारी करिवे बाईगडरे तरकारी करिवे महाप्रभु ज्ञान आदि छपन भोग खिया ठाकुर से छपन प्रकार भोग से खांत प्रत्येक दिन बल्लवरे सकाळ धूपरे मध्यान धूपरे संध्या धूपरे बड़ श्रृंगार धूपरे भोग मंडप कथा छाड़ी दियो जेते जाहले मध्य साग भजा टिके तांकर अत्यंत प्रिय तेणु लांडी माता प्रत्येक दिन साग भज साग टिके बाईगण टिके जहाँ जमी करे नहींक्री प्रभु पाखरे दिए प्रभु तो बड़ परीक्षक सी भक्त को सब बड़े परीक्षा करे एमती चिता चैतन्य काटी पगड़ी बांधी गेरुआ वस्त्र पिंधि पकैले भक्त हो भक्त हवा बड़ कष्ट अटे तेणु भक्त को प्रति मुहूर्त भगवान परीक्षा करते एवं भगवान पाखरे भक्त परीक्षा दे उत्तीर्ण हवा बड़ कष्ट अटे तथापि परीक्षा दवा हूँ भक्तर धर्म अटे महाप्रभु देखिले कहले अरे कौन भारी श्रद्धार नांडी माता बड़ श्रद्धार आणुची शाग बैगण केड़े श्रद्धार आणुची भारी सुआदिया लगुच शाग हौ ठीक अच्छे महाप्रभु दिने परीक्षा करने को बसिले कि प्रकार परीक्षा करो प्रकार भाव नांडी माता को साक्षात करुंट से कौन करें निश्चित शुणा आगामी अध्याय वर्तमान आमे कहा मनरे कौन प्रश्न रही आज प्रश्न श्रोता मान हृदय भितर जहाँ मनरे जहाँ प्रश्न आसूँ आपण मैने पचारि पारती तार उत्तर दवापी मु प्रभु पाखे प्रार्थना करी प्रभु से उत्तर प्रदान कर आज्ञा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मो ना प्रफुल्ल दत्त मो घर नुआपाटना मुझे अनुरोध कर रत्न सिंहासन केते गोटी ठाकुर देवादेवी पूजा पाँच दया कर कहे बोले जगन्नाथ भगवान की जय नुआपाटनार प्रफुल्ल बाबू जो प्रश्न पचारे आम समस्ते जानवा दरकार सात जन देवता रत्न सिंहासन उपरे विराजमान करी उपासित होई था बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ महाप्रभु सुदर्शन महाराज भूदेवी श्रीदेवी माधव अर्थात कुनी जगन्नाथ कुनी पुरुषोत्तम आपड़ता देखी नथेबे कुनी जगन्नाथ ए सात जन विग्रह सप्तावरण विग्रह सिंहासन उपरे उपासित होई था जेतेबेले रथयात्रा हुए सेतेबेले चारिजन विग्रह ही यात्रा करती जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा एवं सुदर्शन भूदेवी श्रीदेवी मंदिर रुहंती एवं माधव जे कुनी जगन्नाथ सी मध्य श्रीमंदिर रहंती तांकर स्वतंत्र गुंडीचा यात्रा सक्त गुंडीचा बिली गोटे गुंडीचा यात्रा आसन्न मासरे षोडश दिनात्मिक यात्रा हुए षोल दिन मंदिर भितर आठ दिन हुए गुप्त गुंडीचा एवं आठ दिन बाहर तांकर गुंडीचा घर दोलमंडप साई रे नारायणी मंदिर सेठा को दुर्गा माधव यात्रा करती जहार नाम शक्त गुंडीचा तेणु सिंहासन उपरे सप्तावरण विग्रहंकर उपासना होई था गुंडीचा घरे चारिजन विग्रहंकर उपासना होई था एहिपरी भाव रे सात जन विग्रह रत्न सिंहासन रे उपासित होई थांती बोले जगन्नाथ भगवान की जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 जगन्नाथ भगवान की जय बोले जगन्नाथ भगवान की जय प्रार्थना आमो आनंदर उत्सव।